हेलो एवरीवन, आज मैं सिर्फ 5 घंटों की रीडिंग निकाल रहा हूँ। इन नेक्स्ट 5 आवर्स में आप लोग के साथ क्या हो सकता है, क्या आपको ऑफर आ सकता है, किन चीज़ों में एक्शन हो सकता है, क्या चीज़ें स्थिर हो सकती हैं, किन चीज़ों के बारे में थॉट्स हो सकता है किसी का आपके लिए, क्या कोई मनी या बिजनेस का क्या कुछ वाइब्स आ सकते हैं या नहीं, या किसी भी चीज़ के लिए आपके नेक्स्ट 5 आवर्स क्या आपको दे सकते हैं, क्या हो सकता है, लेट्स सी। देखते हैं, पहले मैं टैरोट से देखूंगा। सो एक जनरल रीडिंग है, रेजोनेट करे रखें, रेजोनेट ना करे जाने दें, डोंट टेक मच सीरियस। एंड मैं 5 कार्ड लूंगा नेक्स्ट 5 आवर्स के लिए। छोटी सी रीडिंग है, ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा इसके लिए। सो देखते हैं, 5 कार्ड्स लेते हैं पहले। 1, 2, 3, 4, 9 of pants काफी ज्यादा ही आ रही है मेरी रीडिंग में आजकल। स्ट्रेंथ, सो पहला कार्ड है Wheel of Fortune, 2 of Pentacles, 6 of Wands, 9 of Wands and the Strength. So, next 5 hours में क्या हो सकता है, क्या है आप लोगों के लिए, let's see, देखते हैं। पहला कार्ड आया है Wheel of Fortune. So, आप लोग में से जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें से कुछ लोगों के लिए मुझे ये समझ में आ रहा है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या कोई भी अलग सेक्सुअलिटी के लोग हैं, मुझे ये फील हो रहा है ये कार्ड देखने से कि जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके लिए थे वो खत्म हो चुके हैं। कुछ चीज़ें आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कुछ चीज़ें आपके सामने नहीं आ पा रही थी, और कुछ चीज़ें आपको कोई ऑफर नहीं कर रही थी, काफ़ी कुछ आप जो सोच रहे थे वो नहीं हो पा रहा, इवन लव में भी। एंड बट यहाँ मुझे ये फील हो रहा है कि डिवाइन अपना काम कर रही है और वो वक्त आ गया है। आपको ये चीज़ अभी डिवाइन काम कर रही है, अभी शायद पता ना चले, अगले 5 आवर्स में पता ना चल पाए, लेकिन ये 5 आवर्स में ये मुझे ये फील हो रहा है कि इन 5 आवर्स में जो चीज़ होना है आपके साथ अच्छी चीज़, उसकी नींव पड़ चुकी है। कुछ लोगों के लिए लव के जो ऑफर्स हैं और जो रीयूनियन के कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं, स्पेशली मुझे लव ऑफर ज़्यादा समझ में आ रहा है इस कार्ड को देखते के साथ, मेरी इंट्यूशन ये बता रही है। सो कुछ लोग के लिए लव ऑफर जल्दी आने वाला है। ये 5 आवर्स जो अभी से जो शुरू होंगे आपके लिए, उसमें कुछ लोगों को तो कॉल आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, कुछ कॉल आने के, आपके लवर्स के कॉल आने के चांसेस लग रहे हैं। सो बी रेडी फॉर द चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून आपका चेंज बता रहा है और समय आ गया है, समय आ गया है एक्शन का। सो लेट्स दूसरा कार्ड देखते हैं, 2 of Pentacles। 2 of Pentacles ये बता रहा है कि आपके जो लवर हैं वो अभी आपसे बात करने के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। एंड कुछ लोग के लिए तो मुझे कुछ बिजनेस का भी लग रहा है, जो लोग बिजनेस में हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो जगलिंग कर रहे हैं अभी, अभी डिसीजन पूरी तरह से नेक्स्ट 5 आवर्स में भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे वो। कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने सोच रखी है बिजनेस के बारे में, उसका आप पूरी तरह से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अभी आप जगलिंग मोड में ही हैं, डिसीजन मोड में ही हैं और चीज़ों को तोल रहे हैं आपस में। सो आपको नेक्स्ट 5 आवर्स के बाद या नेक्स्ट 5 आवर्स में अभी फ़िलहाल तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि बिज़नेस का कुछ इम्प्लीमेंट करने का या नया कोई बिज़नेस शुरू करने का कोई इरादा है।
सो ये चीज़ अभी कुछ लाइफ में लव से ज़्यादा मुझे बिजनेस और काम के ही शो कर रहे हैं कार्ड में, फीलिंग्स आ रही है मुझे। जो अभी आप बिजनेस में नेक्स्ट 5 घंटों में कुछ ऐसा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स जिस तरह से मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून मिल रहा है एंड टू ऑफ पेंटिकल्स में बिजनेस के वाइब्स आ रहे थे, इसमें मुझे सर्विस के वाइब्स आ रहे हैं एंड मैरिज के, सर्विस एंड मैरिज के। तो अगले कुछ घंटों में आप मैरिज का डिसीजन ले सकते हैं किसी के साथ, आप में से कुछ लोग मैरिज का डिसीजन ले सकते हैं, स्पेशली इवन मुझे लगता है कि 4-5 आवर्स में शायद आपके कुछ डिसीजन हो सकते हैं मैरिज के मामले में। एंड कुछ लोग जॉब के लिए रेडी हैं, कुछ लोग जॉब के लिए 100% रेडी हैं। सो अगर नेक्स्ट 5 आवर्स में आपके मन में कुछ आए जॉब के बारे में तो जल्दी से एक्शन लें, क्योंकि चीज़ें बदल सकती हैं। एंड अगर आपके पास कोई जॉब आता है या कोई काम का ऑफर आता है इन 5 घंटों में, तो प्लीज़ उसे इम्प्लीमेंट जल्दी एक्सेप्ट करें। एंड मुझे तो लग रहा है कि ये ऑफर आपके लिए अच्छा ही होगा और आप रेडी हैं पूरी तरह से, जॉब के लिए रेडी हैं आप। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स मेरे रीडिंग में आजकल, नाइन ऑफ वॉन्ड्स मेरे रीडिंग में आजकल कुछ ज्यादा ही आ रहा है। ये दिखा रहा है कि आजकल लोग कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो गए हैं, अपने आप कि अपने खुद दायरे से बाहर आ गए हैं और एक बाउंड्री उन्होंने खींच लिया है। सो नेक्स्ट 5 सॉरी नेक्स्ट 9 ऑफ वैंड्स मुझे ये बता रहे हैं कि चीज़ें काफ़ी रुकी हुई हैं आपके लिए। आप कुछ देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट तो की है बट उसे आपने शुरू नहीं किया अभी। नेक्स्ट 5 आवर्स मुझे कोई एक्शन दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है आपकी तरफ से, या आपके लवर की तरफ से मुझे कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। सो जो लव में है तो नेक्स्ट 5 आवर्स में कुछ एक्शंस तो नहीं नज़र आ रहा है मुझे, बट आप बहुत सेफ जोन में है अभी। एंड डोंट वरी, जो कुछ डिसीजंस आपके होंगे बिजनेस या लव के लिए वो जल्दी ही आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, विद इन 9 डेज, मुझे लग रहा है विद इन 9 डेज। बट अभी 5 आवर्स में तो आपके लवर का कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, या आप भी कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, आई थिंक सो। ये मुझे वेटिंग की वाइब लग रही है। फिफ्थ कार्ड, स्ट्रेंथ। कुछ लोग तो मुझे लग रहा है कि जो लवर्स हैं अपने पार्टनर को ये 5 आवर्स के अंदर जल्द से जल्द कॉल करने वाले हैं, मुझे ये वाइब आ रही है। काफी हिम्मत कर रहे हैं, डिवाइन का भी सपोर्ट उनके साथ है। एंड आपके लवर आपको 5 आवर्स के अंदर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप में से कुछ लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो काफ़ी हिम्मत बना रहे हैं अभी आपको कॉल करने के लिए। शायद आप में लड़ाइयाँ हुई होंगी एंड थोड़ा सा नो कांटेक्ट होगा, बट मुझे लगता है कि वो आपको मना लेंगे एंड आपको जल्द से जल्द उनका कॉल आने वाला है। सो डोंट वरी, लवर्स के लिए तो बहुत अच्छा है। बाकी मुझे ये सारे कार्ड्स जो मैंने पढ़े हैं नेक्स्ट 5 आवर्स के लिए, ज़्यादा बड़े रीडिंग नहीं है ये मुझे। नेक्स्ट 5 आवर्स में मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि समय आ गया है एक्सप्रेस करने का, बिजनेस इम्प्लीमेंट करने का, लव ऑफर एक्सेप्ट लेने और देने का। कुछ लोग के लिए मुझे लग रहा है कि अभी जो भी है जगलिंग कर रहे हैं, लव ऑफर या जो भी बिजनेस का ऑफर्स हैं उसमें अभी नहीं कर पाए अपने आप को क्लियर। कुछ लोग रेडी हैं जॉब के लिए, सो जल्दी से जल्दी अप्लाई करें, या इंटरव्यू से जो भी आपको पास आउट हुए हैं तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। कुछ लोग की वेटिंग एनर्जी है, कुछ लोग हिम्मत कर रहे हैं, जल्द से जल्द आपको कांटेक्ट आएगा, या तो बिजनेस में कहीं से और कोई बड़ा डील हो सकता है, या आपके लवर आपको फोन करके मना सकते हैं। सो ये हो गई मुझे, मैं क्विक एक दो एंजल्स कार्ड लूंगा सजेशन, सिर्फ दो कार्ड लूंगा एंजल्स के सजेशंस आपको नेक्स्ट 5 आवर्स के लिए। व्हाट द सजेशंस फॉर आवर व्यूअर्स एंजल्स, वन वन मोर कार्ड एंजल्स प्लीज, वन मोर कार्ड। तो यहाँ क्लियर मैसेज आया एंजल्स का, पहला है नो कार्ड। नो मीन्स
आप अगर जगलिंग में हैं तो प्लीज डिसीजन लीजिए, एंड नो कार्ड आपको ये बता रहा है कि कोई भी जल्दबाजी में, ये 5 आवर्स में, ऐसा नहीं है कि आपको डिसीजन 5 आवर्स के अंदर ही लेना है। सो यहाँ जिसका नो आया है, आप पूरा टाइम लें, टेक योर टाइम एंड डोंट, आप लोग प्लीज़ ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, इसलिए नो आया है, जल्दबाजी में काम ना करें। ठीक है, आप वेटिंग एनर्जी में, जगलिंग में है, तो थोड़ा टेक योर टाइम एंड अभी कोई डिसीजन ना लें, नो अभी कोई डिसीजन ना लें। यू कैन टेक डिसीजन विद इन 1 डे और 2 डे, सो अपना टाइम लें, हड़बड़ाहट में कोई काम ना करें, इसलिए एंजल्स का नो आया है। अपॉर्चुनिटी, कुछ लोगों, आप में से कुछ लोगों को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है बिजनेस में, सो उसमें देर ना करें, क्योंकि ये 6 ऑफ वैंड्स बता रहा है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून भी बता रहा है आपको कि समय आ गया है। इसलिए कुछ लोगों के लिए जिसमें सारी चीज़ क्लियर है आपके बिजनेस सर्विस जॉब के लिए और आपको उसमें कोई शंका नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, जल्द से जल्दी उसको हाँ कहें। एंड स्ट्रेंथ कार्ड, जो भी लवर आपको कॉल कर रहे हैं, प्लीज़ उन्हें एक बार रिव्यू कीजिए, आपको अपॉर्चुनिटी फिर मिला है लवर से जुड़ने का, सो उसको गंवाएं नहीं। एक कार्ड देखते हैं, एक कार्ड देते हैं, लेकिन मैंने ट्यूशन बोला कि 2 कार्ड में, तो 2 कार्ड ले ही लेते हैं डिवाइन की तरफ से, देखते हैं टेक्नोलॉजी से आपके लिए क्या सजेशंस है। तो 1, 1, 2, सो नेक्स्ट फाइव आवर्स के लिए एक मैसेज फुल मून इन एक्वेरियस का आपके पास आया है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप दुनिया को दिखाएं कि आप क्या है, अपना जो भी अपने आप में, हु यू आर, बी योर सेल्फ, अपनी रियलिटी लोगों के सामने लाएं, किसी से कुछ छुपाए नहीं। कोई ऑफर आ रहा है तो आप बातों को क्लियर करें और अपने आप को दिखाएं कि आप कितने रियल हैं। दूसरा सजेशन है और आखिरी सजेशन सॉफ्ट मोड का है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अगर कोई बंदा आपसे दोबारा कांटेक्ट करता है रीयूनियन के लिए, तो पुरानी बातों को भूल के आप एक नई शुरुआत करें, अपने पास्ट को पीछे छोड़ दें और वापस ना लाएं अपने पास्ट को जो भी हुआ। एंड ये कार्ड मुझे लगता है स्ट्रेंथ के लिए आया है, जो लोग आपसे कॉल करके आपसे बात करने की हिम्मत कर रहे हैं, तो लव में ये कार्ड मुझे लगता है कि रेजोनेट करेगा। पास्ट को वापस ना, एक बार रिव्यू करें, अगर आपको रिश्ता आगे रखना है तो रखें, नहीं तो फिर जाने दें। सो आज की मेरी बहुत क्विक रीडिंग है, सो आपके नेक्स्ट 5 आवर्स में आपके लिए बहुत कुछ है, सो बी अवेयर एंड अलर्ट एंड टेक योर ओन डिसीजन। सो थैंक यू, बाय फॉर नाउ, ओम शिवाय।